नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली हम 11 बजे आपके लिए मैथ की क्लास लाते हैं और उसमें हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, ये वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी साथियों में, सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, यदि 3 sec² x - 4 = 0 है तो x का मान बताइए। तो दोस्तों, आपको x का मान बताना है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 3 sec² x - 4 = 0। अब हमको क्या बताना है, इस x का मान बताना है। x क्या है यहां पर, एंगल। तो कौन सा एंगल, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। या तो दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं, क्या है तरीके, एक तो x ही यहां पर इन वैल्यू को रख सकते हो आप जो ऑप्शन में दी हुई है, या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो 3 sec² x = 4 को इधर पहुंचेंगे तो ये यहां पर प्लस का 4 हो जाएगा और इस 3 का यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो sec² x = 4/3 और स्क्वायर है इसके ऊपर तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये sec x = इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो यानी 4/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√3। क्या लिख सकते हैं, 2√3। तो क्या आ गया हमारा, sec x = 2√3। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, sec x = 2/√3 दिया हुआ है। तो यानी x की जगह पर कौन सी वैल्यू रखें हम, जब वैल्यू आई है 2/√3। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कराई है, उस वो अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आपको याद होगा और आप यहां पर बता सकते हैं। तो x की वैल्यू हम 30 डिग्री रखें, x की वैल्यू 30 डिग्री रखें तो उसका मान क्या होता है, 2/√3। क्या होता है, 2/√3। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका भी ऑप्शन ए आ रहा है तो अब चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें क्वेश्चन को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं, 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो सब आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लें, MDH। कौन सा, MDH। MDH से दोस्तों, ये M क्या होता है इसमें, जो कितने पुरुष काम कर रहे हैं या कितने मजदूर काम कर रहे हैं, तो कितने हैं पहले 30, कितने 30, और दिन कितने ले रहे हैं वो 16 दिन। डी से क्या हो जाएगा, डे यानी 16 दिन, और एच से आवर यानी कि घंटे, तो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन। तो दोस्तों, ये हमारा जो पहली कंडीशन दी हुई है वो हो गया। अब इसमें दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 32 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं 32 पुरुष, और वह 20 दिन कार्य कर रहे हैं, कितने दिन 20 दिन कार्य कर रहे हैं, और हमसे पूछा क्या है कि कितने घंटे कार्य कर रहे हैं वो जो इस पूरे काम को कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमको क्या निकालना है, एच के मान निकालना है। तो दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, m1d1h1 = m2d2h2। इसको आप नोट कर लें, इस पूरे फॉर्मूले को, किसको, इस पूरे फॉर्मूले को आप नोट कर लें, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा हमको, सिंपल है, अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसको यही सेम रखेंगे, 30 यानी 30 16 8 और अपॉन में ये डिवाइड में आ जाएगा 32 और 20, 0 से ये 0 कैंसिल, 16 से ये 32 कैंसिल 2 बार, और इस 2 से ये 8 यानी 4 बार गया, और इस 2 से ये 4 2 बार। अब कितना बचा, 2 और 3 बचा, दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, कितना 6 घंटे, यानी प्रतिदिन वो कितने घंटे काम करें, 6 घंटे। तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों में। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों में 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरी क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? तो दोस्तों औसत चाल क्या होती है? औसत चाल कई क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, लेकिन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अलग अलग डिस्टेंस दी हुई है इसमें, तो ऐसा हमने अभी तक कराया नहीं है, सेम डिस्टेंस वाला कराया। तो अब हम इसका बताते हैं आपको फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों औसत चाल होती है हमारी टोटल यानी कुल दूरी, क्या कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, यानी कि कुल समय जितना इस दूरी को कवर करने में जितना समय लगेगा वो। तो दोस्तों अब हमारी औसत चाल आ जाएगी ये फॉर्मूला। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमको निकालना क्या है? दोस्तों हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है और स्पीड दी हुई है, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। तो पहली वाली यात्रा में हमको कितना समय लगेगा, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में देखते हैं तो कितना डिस्टेंस दी हुई है, 18 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितना आ गया, 3 यानी 3 आवर। दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है? दोस्तों दूसरी कंडीशन है हमारे पास 20 किलोमीटर और स्पीड कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको इसे कैंसिल करेंगे तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आवर। अब थर्ड कंडीशन में कितनी दी हुई है डिस्टेंस, 27 किलोमीटर, कितनी 27 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर, तो यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर। अब दोस्तों ये टाइम तो आ गया, अब हमको इस फॉर्मूले लगा देना है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर, और कुल समय कितना हो जाएगा, ये समय लिख देंगे 3 + 4 + 3, तो ये सबको हम जोड़ देंगे तो 8 और 7 कितने हो गए, 15, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6, और यहां पर ये कितने हुए, 3 और 4 7 और 3 10, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, 6.5, कितना 6.5 किलोमीटर पर आवर, 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्या, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें आप और कमेंट में इसका आंसर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी साथियों में। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 11 और av बराबर 15 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। दोस्तों क्या दिया हुआ है हमारे पास, a प्लस बी बराबर क्या है, 11, और av कितना दिया हुआ है, 15। हमसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। तो दोस्तों हमने कल एक क्वेश्चन कराया था डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, अब यहां पर हम देख रहे हैं तो वैल्यू कौन कौन सी पुट हो सकती है। तो दोस्तों 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 हो जाएंगे, बस 3 और 5 और 1 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 और 5 अगर रखें हम यहां पर तो 15 बन रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन यहां पर रखें हम 3 और 5 तो 8 हो जाएगा, 11 तो नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमको कैसे करना होगा, तो हम बताते हैं आपको। तो इसमें हम सिंपल क्या है, इसमें बस स्क्वायर कर देंगे हम इसका दोनों साइड, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप सभी को पता है, जब इसको हम खोलेंगे तो ये आएगा, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, क्या होता है, 121। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, तो 2ab की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 यहां पर लिख देंगे, ये कितना है, 121। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 30 जो इधर चला जाएगा, तो 121 यहां प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 30। तो अब ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 91, कितना 91। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती। तो दोस्तों कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था कि जो पहले हुआ है
जो कंडीशन पहले आई है, जैसे पहले हानि हुई है, तो इसको हम नीचे रखेंगे, और जो हमसे पूछ रहा है कि इतने में करना है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो यानी कि क्या क्या कंडीशन दी हुई है, पहले तो रुपए कितने हैं 2500 रुपए, कितने 2500 रुपए ये लिख लिए। अब यहां पर गुणा करेंगे तो पहले कौन सी कंडीशन हुई है 20% की हानि, तो यानी 20% की हानि हुई है तो कितने में बेची होगी चीज, तो 80% में, 80 में ही तो बेची होगी। और अब उसको कितने की हानि में बेचना है 30% की, तो यानी कितने में बेचेगा 70 में। तो अब ये हमने ऊपर रख दिया, ये नीचे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 8 और 8 × 2 = 16.5, यानी 312.5 बार कट जाएगा। अब दोस्तों इस 7 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2187.5, कितना 2187.5, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने रुपए में हमको बेचनी होगी, कितने में, इतने रुपए में हमको बेचनी होगी। तो दोस्तों सिंपल है, दो लाइन में आंसर आ गया हमारा। इस प्रकार से आप सॉल्व करें, ना कोई 100 पर जाएं, ना किसी फॉर्मूले पे जाएं, सिंपल यही चीज अपने माइंड में रख लें, जो पहले हुआ है उसको नीचे रखना है और जो बाद में पूछा है हमसे उसको ऊपर रखना है, सिंपल बस इसी चीज को आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है, यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना दिया हुआ है, 5:2। अब 5:2 दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है हमको 238। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 है, यानी 5 यूनिट और 2 यूनिट। अब हमसे क्या निकाल सकते हैं, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2l + b, क्या 2l + b, तो 2 तो यहां पर रहेगा ही, l कितना है 5 और b कितना है 2। अब दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 हो जाएगा, 7 में 2 का डिवाइड तो 14, तो 14 आ गया हमारा पेरीमीटर, कितना 14 आ गया हमारा पेरीमीटर। लेकिन यहां पर कितना दिया हुआ है परिमाप 238, यानी 14 बराबर किसके हो जाएगा 238 के, यानी कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कितने गुना ज्यादा, 17 गुना ज्यादा। तो दोस्तों ये हमारा 17 गुना ज्यादा हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछी है लंबाई, क्या लंबाई, तो दोस्तों लंबाई यहां पर कितनी है 5 यूनिट है, तो 5 ना होकर ये भी 17 गुना ज्यादा होगी, तो कितनी हो जाएगी 85, कितनी 85 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू आर एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर और ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है। भुजा पी आर पर बिंदु क्यू से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई बताइए। तो दोस्तों ये एक त्रिभुज है, क्या ये एक त्रिभुज है, कौन सा पी क्यू आर, कौन सा पी क्यू आर, ये इसको पी मान लेते हैं, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, पी क्यू और क्यू आर कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं और एंगल पी क्यू आर कितना है 90 डिग्री, ये जो है कितना है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। अब दोस्तों हमसे क्या बोल रहा है वो, कि पी आर पर क्यू से एक लंब डाला गया है, पी आर से क्या करा गया है एक लंब परपेंडिकुलर डाला गया है। तो दोस्तों यहां से हम खींच लेते हैं ये इस प्रकार से, यानी पी आर पर बिंदु क्यू से एक लंब खींचने पर, तो दोस्तों इसको हम नाम दे देते हैं एस, क्या दे देते हैं एस। अब हमसे इसकी लंबाई पूछी है, किसकी क्यू एस की लंबाई पूछी है। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, किसका 90 डिग्री का, और हमको पता है कि ये कितने डिग्री का है 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री का है। कैसे पता, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे और ये 90 का है तो ये 45-45 के हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं,
एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी क्या, हाइपोटेनस। क्या हो जाएगी ये? हाइपोटेनस। ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। तो हमको चाहिए क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो दोस्तों किसमें होता है ये? साइन थीटा में। तो साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब दोस्तों परपेंडिकुलर इसमें कितना दिया हुआ है हमको निकालना है, और हाइपोटेनस कितनी है? 10। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 बराबर पी अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा? पी बराबर क्या हो जाएगा? 10/√2। और इस रूट दो को नीचे से हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2√ ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आया। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, 10√2 बराबर नीचे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आया, 5√2। क्या आया? 5√2। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।